अभी आपने कहा कि मैं इंडिया को भी अपना कंट्री मानती हूँ, अगर इन फ्यूचर आपको शादी करना हो तो आप इंडियन से करने के लिए रेडी रहोगे? सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो। क्या नाम है आपका? सौगर अजीज यार। कहाँ से हो आप? अफगानिस्तान। कितने टाइम से इंडिया में हो? 3.5 ईयर। 3.5 ईयर लॉन्ग टर्म। इंडिया आने का कोई खास वजह? अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही थी और थोड़ा सा मीन्स की ब्लैकमेल ये सब भी हो रहा था। जब आप इंडिया आई तो आपको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हुआ या फिर ईजिली एडजस्ट हो गई? मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा को मीन्स की हिंदी लैंग्वेज बोलना आता था तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मैं भी स्कूल जाके फ्रेंड्स बन गए तो उनके साथ धीरे धीरे सीख गई। कि आप अफगानिस्तान से एक दूसरे कंट्री आए तो आपको इंडियन कल्चर कैसा लगता है? इंडियन कल्चर तो अच्छा है। आप अपने फ्रेंड्स के घर जाते होंगे या फिर आपका जो अपना कल्चर होगा आप शेयर करते होंगे, उनका कल्चर होगा तो क्या कैसा लगता है, क्या डिफरेंस नज़र आता है? डिफरेंस तो मीन्स ज़्यादा नहीं होता, दोनों कल्चर मेरे लिए इक्वल इक्वल रैंक के होते हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि इंडिया भी इज़ ऑल्सो माई लाइक माई कंट्री नाउ। तो फिर वहाँ का माहौल कैसा है अभी? माहौल तो मीन्स कि कभी लड़ाई कभी खुशी, लेकिन ये सब तो नहीं हो सकता ना कि अगर कोई दुख जगाए तो आप पर दुखी रहे खुशी ना हो। अच्छा आप बताओ अफगानिस्तान और इंडिया के वेदर में क्या डिफरेंस नज़र आया आप 3.5 साल से इंडिया में? वेदर? हाँ, इंडिया टू हॉट, टू मच हॉट। अफगानिस्तान का वेदर इज मीडियम, नाइदर हॉट नॉर मोर। फिर जब स्टार्टिंग में आऊँगा तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में इशू होता होगा, गर्मी है गर्मी थी है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तब दिसंबर का मंथ था, इतना मींस की डिफ़िकल्टीज नहीं हुआ था क्योंकि मौसम रैंक में था, इतना विंटर सीजन चल रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे जुलाई अगस्त आने लगे तब पता चला कि इंडिया का मौसम किस तरह होता है। अभी आपने कहा कि मैं इंडिया को भी अपना कंट्री मानती हूँ, अगर इन फ्यूचर आपको शादी करना हो तो आप इंडियन से करने के लिए रेडी रहोगे? ये लाइक आपकी फ्रेंड ने बोला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आप अपने फ्रेंड्स के लिए मुझे जवाब दे दो। इससे ये कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि इसका जवाब देना कि मैं कौन सी कंट्री में शादी करूँ, ये कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है और अभी मुझे नहीं लगता कि मेरा एज इस एज तक आ चुका हो कि मैं ये बोल दूँ कि हाँ मैं कौन सी कंट्री पर शादी करूँगी।